चूहे ने बचाई शेर की जान। एक जंगल में एक शेर रहा करता था। वो दोपहर में गहरी नींद सो रहा था। एक छोटा सा चूहा अपनी बिल से बाहर आया। रास्ते में उसे एक शेर सोता हुआ दिखाई दिया। अरे, ये शेर तो कितना बड़ा है, फिर भी सो रहा है। कितना आलसी है ये। जब तक यहाँ सो रहा है, मैं थोड़ी देर खेल लेता हूँ, वो कहने लगा। शेर के गोल गोल फिर कर वो कूद रहा था। शेर के आसपास बहुत ज्यादा आवाज करते हुए वो खेल रहा था। शेर की आंख खुली और उसने तुरंत उस चूहे को अपने हाथ में दबोच लिया। ओह, कितना छोटा और प्यारा है तू, परंतु तुझे खाऊंगा तो मेरा पेट भी नहीं भरेगा। आज के दिन की खाने की शुरुआत मैं तुझे से करता हूँ। अपनी जान को खतरे में देखकर वो कहने लगा। ओ शेर राजा। हाँ, क्या बात है, बोलो। मैं इतना छोटा हूँ, मुझसे तो आपका पेट भी नहीं भरेगा। कभी ना कभी मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, मुझे छोड़ दो। शेर के आगे चूहा विनती करने लगा। ओहो, तो तू मेरी मदद करेगा। इस जंगल में मैंने इससे बड़ा मजाक कभी नहीं सुना। हा हा हा, लगता है आज तुम्हारा दिन अच्छा है। मैं तुम्हें जाने देता हूँ, जाओ जी लो अपनी जिंदगी। शेर जोर जोर से हंसने लगा। हा हा हा, शेर ने चूहे को जाने दिया। चूहा तुरंत अपने बिल में जाके छुप गया। कुछ दिन बाद बेचारा शेर शिकारी के जाल में फंस गया। शेर जोर जोर से दहाड़ने लगा। शेर की दहाड़ सुनकर सभी जानवर डर गए और छुप गए। क्या इस जंगल में मुझे बचाने वाला कोई नहीं है? बचाओ बचाओ। शेर की दहाड़ चूहे ने भी सुनी और वो अपनी बिल से बाहर आया और वो तुरंत शेर के पास आया। शेर को जाल में देखकर वो कहने लगा। ओ मेरे दोस्त, तुम तो शिकार के जाल में फंसे हुए हो। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें आजाद करूँगा। और अपने छोटे छोटे दांतों से उस विशाल जाल को कुतरने लगा। उसने सारा जाल कुतर दिया और शेर को बाहर निकाल दिया। इतना छोटा चूहा कभी शेर की मदद भी करेगा किसी ने नहीं सोचा था। शेर ने चूहे को धन्यवाद कहा और दोनों में अच्छी मित्रता हो गई। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी भी किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए। खरगोश को सबक। एक जंगल में एक बहुत खूबसूरत खरगोश हुआ करता था। वो जंगल के हर जानवर के साथ दोस्ती रखता था। मैं कितना खुशनसीब हूँ, मुझे अगर एक छोटी सी भी परेशानी हो जाए तो मेरे सभी दोस्त मेरी मदद करने आ जाएंगे। अचानक एक दिन जंगल के कुछ जंगली कुत्ते उसके पीछे पड़ गए। खरगोश बहुत घबरा गया था। अपनी दोस्त की मदद से वो बच जाएगा सोचकर वो हिरण के पास गया। दोस्त, कुछ जंगली कुत्ते मेरे पीछे पड़े हैं। तुम्हारे नोकीले सिंगों से मेरी मदद कर दो ना, उन्हें भगाकर तुम मेरी जान बचा लो, प्लीज। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, मैं अपने नोकीले सिंगों से उन्हें भगा सकती हूँ। मैं अभी बहुत व्यस्त हूँ। कुत्ते अभी भी खरगोश के पीछे पड़े थे। वो भागकर अपने दूसरे मित्र हाथी से मदद लेने लगा। मेरे प्यारे दोस्त, तुम इस जंगल के सबसे शक्तिशाली जानवर हो। मेरे पीछे कुछ कुत्ते पड़े हैं। अपनी सूंड से उन्हें मारकर यहाँ से भगा दो ना, मेरी जान बचा लो ना। मुझे माफ कर दो, मैं अभी अभी अपना सारा काम खत्म करके आया हूँ। बहुत थका हुआ हूँ, मैं अभी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। वो वहाँ से भागकर एक बंदर के पास मदद मांगने गया। अरे नहीं, अगर मैं तुम्हें बचाने आया तो वो कुत्ते मुझे भी चीर कर खा लेंगे, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। इतना बोलकर बंदर झाड़ पर कूद बैठा। वहाँ खड़के खरगोश ने सोचा उसके किसी मित्र ने उसकी सहायता नहीं की थी। वो खुद ही बचने का उपाय सोचने लगा। उसे एक उपाय सूझा। वो तुरंत गया और झाड़ियों के पीछे छुप गया। कुछ देर बाद वहां कुत्ते आ गए। उन्होंने उसे ढूंढा पर निराश होकर चले गए।
उस खरगोश ने अपनी जान बचा ली। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, मुश्किल समय में कोई दोस्त हमारे काम नहीं आता, हमें खुद ही उस मुसीबत का सामना करना होगा। पक्षियों की चालाकी। एक जंगल में बहुत सारे पक्षी साथ रहा करते थे। वो हमेशा साथ खेलते और खुशी से साथ चहचहाया करते थे। वो हमेशा साथ उड़ा करते थे। एक दिन ऐसे ही जब वो एक साथ उड़ रहे थे, तब उनकी नज़र एक विशाल पेड़ के नीचे पड़े बहुत सारे दानों पर गई। उन सबके मन में ये विचार आया कि दानों के पास तो कोई निगरान नहीं, तो वो सब उस दाने को खाने साथ जमीन पर आ गए। जैसे ही वो दाने चुभने लगे, तभी अचानक पेड़ से एक जाल उन पर आ गिरा। वो सब उस जाल में फंस चुके थे। जाल से बाहर आने की हर संभव कोशिश वो कर चुके थे। हर पक्षी ने अपनी जान लगा दी थी उड़ने की, पर कितनी कोशिशों के बाद भी वो असफल रहे। तब एक चतुर पक्षी ने सुझाव दिया कि सब अलग अलग मेहनत करेंगे तो कुछ नहीं हासिल होगा। अगर हमें इस जाल से छुटकारा चाहिए तो हमें एकजुट होकर इस जाल का मुकाबला करना होगा। हम सब अकेले उड़ने की कोशिश करने के बजाय अगर साथ अपने पर हिलाएं, तो हम सब इस जाल को अपने साथ लेकर उड़ सकते हैं। सब उस चतुर पक्षी से सहमत होकर उसकी सलाह मानने लगे। जैसा उन्होंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। वो उस जाल को अपने साथ लेकर उड़ गए। उड़ते उड़ते वो अपने एक मित्र चूहे के पास आ पहुंचे और उसे सहायता मांगी। उस चूहे ने भी खूब मित्रता निभाई। उसने अपने सभी चूहे दोस्तों को बिलों से बाहर बुलाया और सब ने एक साथ उस जाल को अपने नोकीले दांतों से काट दिया। इस घटना से उनको ये सबक मिला कि उनकी एकता ने ही आज उनकी जान बचाई है। इसलिए तो हमारे बड़े कहते हैं कि एकता में ही बल है। लालची कुत्ता। एक दिन एक जंगल में एक कुत्ता हुआ करता था। अपने भोजन के लिए वो सारा जंगल ढूंढता रहता था। ढूंढ ढूंढ कर वो थक गया। पता नहीं मेरी किस्मत में आज भोजन करना लिखा भी है या नहीं। मेरे इतना ढूंढने पर भी मुझे कुछ नहीं मिला और कितने दिन भूखा रहूं। कुत्ता उदास हो गया। इतने में उसकी नजर एक मांस के टुकड़े पर पड़ी। वो जल्द ही उसके पास आ पहुंचा। आहा! कितने दिनों बाद खाना मिला है, वो भी मेरा मन पसंद। मैं अगर इसे यहाँ खाऊंगा तो दूसरा कोई इसे मुझसे छीन लेगा, इसलिए मैं इसे घर जाकर खाऊंगा बिना डरे, फिर आराम करूंगा। वो उस मांस के टुकड़े को अपने मुंह में पकड़कर घर की ओर चले गया। रास्ते में उसे एक शेर की आवाज सुनाई दी। वो उसकी ओर पलटकर देखने लगा। अरे मैं तो मर ही गया, अगर इसने मुझे इस मांस के साथ देख लिया ना, तो ये मांस के साथ साथ मुझे भी खा जाएगा। वो तुरंत झाड़ के पीछे छुप गया। शेर ने उसे नहीं देखा और वो आगे चला गया। जैसे ही वो शेर वहाँ से चला गया, वो बाहर आया और वहाँ से भाग निकला। उसके घर जाने के रास्ते में एक नदी हुआ करती थी। वो रोज उस नदी पे एक चकला हुआ करता था जिसपे चल के जाता था। इस दिन भी वो चकले पर चल के जा रहा था। तब उसकी नजर एक पानी में पड़े कुत्ते पे गई। तब उसकी नजर पानी में पड़ी। उसने देखा कि उसमें एक कुत्ता की परछाई थी। वो उसी की परछाई थी। उसने सोचा कि वो दूसरा कुत्ता नदी में है जिसके पास भी एक मांस का टुकड़ा है। अरे इसके पास भी एक बड़ा मांस का टुकड़ा है, मैं इसे डरा दूंगा तो ये मांस को छोड़कर भाग जाएगा। दोनों मांस के टुकड़े मैं अपने घर ले जाकर आराम से खाऊंगा। 2 दिन तक भोजन की चिंता ही नहीं, मैं भोग कर इसे डरा सकता हूँ। वो डराने की मंशा से पानी में अपनी परछाई को देखकर जोर जोर से भौंकने लगा। जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, वो मांस का टुकड़ा पानी में गिर गया और बह गया। अरे
वो दूसरे मांस का टुकड़े के लालच में मैंने अपने मांस का टुकड़ा भी खो दिया। सच में आज तो भूखा ही रहना होगा। वो बहुत पछताने लगा और जब वो पानी में देखने लगा तब उसे सच मालूम हुआ कि वो दूसरा कुत्ता नहीं था बल्कि उसी की परछाई थी। वो सोचने लगा कि अगर वो लालच ना करता तो उसके पास उसका मांस का टुकड़ा होता और वो घर जाकर उसे खा सकता था। फिर से वो अपने भोजन की तलाश में निकल गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच बहुत बुरी बला है। सुस्त गधा। एक गांव में एक नमक का व्यापारी रहा करता था। वो गांव के हर दुकान पर नमक बेचता था। उसे बहुत ज्यादा लाभ नहीं होता था, तो उसने सोचा कि यहाँ उसे कुछ लाभ नहीं हो रहा है, तो वो पास के शहर जाकर बड़े बाजार में अपना नमक बेचेगा। ऐसा करने से उसका लाभ भी होगा और व्यापार भी बढ़ेगा। बहुत सारी नमक की बोरियाँ उठाने के लिए उसे एक गधे की आवश्यकता थी। तुरंत वो शहर गया और वहाँ से एक गधा खरीद लाया। हर दिन वो अपने गधे पर नमक की बोरियाँ लाद कर शहर जाता और उसे बेच कर खूब पैसे कमाता था। पर शहर को जाने के रास्ते में एक नदी हुआ करती थी जिस पर एक लकड़ी का छोटा सा पुल था। हर बार वो उसी रास्ते से जाता था। एक दिन जब वो जा रहा था तो रास्ते में गधे का पैर फिसल गया और नमक की बोरी नदी में गिर गई। नमक की बोरी सारी नदी में घुल गई। बोरी में नमक ना होने के कारण व्यापारी वापस लौट गया। गधा बहुत खुश हुआ। व्यापारी को नमक का नुकसान हुआ था इसीलिए वो उदास था, लेकिन गधे की गलती नहीं थी इसीलिए वो चुप हो गया। इस घटना से गधे को एक उपाय सूझा। रोज मुझसे ये भारी बोरियां उठवाता था, अब मैं रोज ऐसे ही करूंगा, नमक बह जाएगा और मेरा बोझ कम हो जाएगा। गधा रोज वही करता था। रोज गधा गिरता और बोरी पानी में गिरा देता था और नमक सारा घुल जाता था। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। व्यापारी कुछ दिन के बाद उस पर संदेह करने लगा। उसने गधे को सबक सिखाने की सोची। अगले दिन वो नमक की बोरी की जगह रुई की बोरी ले जा रहा था। जैसे गधा रोज नमक की बोरी गिरा देता वैसे ही इस बोरी को भी गिरा लिया। रुई की बोरी भीग कर और भारी हो गई। व्यापारी ने उस बोरी को दोबारा गधे पर लाद दिया। उस भीगी रुई की बोरी का वजन वो उठा नहीं पा रहा था। गधा उसकी गलती समझ गया और कभी दोबारा ऐसे नहीं करेगा वो ठान लिया। तब से गधे ने ईमानदारी से बोरियां उठाई थी। व्यापारी को खूब लाभ हुआ। वो गधे से भी बहुत प्यार करने लगा था। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि किस्मत हमेशा हमारा साथ नहीं देती।